डिस्ट्रैक्शन करना बना रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अरे संतोष तो गुड मॉर्निंग पहला नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी यहाँ पे फिर जा रही है पेपर देने के लिए और मैं जा रही हूँ हल्द्वानी क्योंकि हाँ हमारा कुछ काम है। तो व्रत है वट सावित्री का तो हमने साड़ी लेके आने वहाँ से तो चलते हैं अब हम और मैं जाऊँगी आगे को बुआ के साथ और फिर जाएगी प्रेरणा के साथ पेपर देने। थोड़ी देर बैठे और अभी प्रेरणा लोग भी लालकों से निकल गए हैं और बुआ और बीजी जा रहे हैं हल्द्वानी को और मैं जाऊंगी प्रेरणा उनके साथ कॉलेज क्योंकि मेरा पेपर है और मेरे दो पेपर और बचे हैं। तो अभी हम चलते हैं। अरे वो लोग आए नहीं अभी। तो अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। हल्दी चौड़ धूप लग रही थी आज बहुत तेज। ये लोग हेलमेट पहनी हुई हमारी मैडम जी हेलो यहाँ तो देखते हैं एक बार। आज धूप बड़ी चटक वाली लगी है ना जब से बारिश आने वाली ओहो हीरोइन लग रहे हो। अरे वो तो ऊपर कर लो शीशा अच्छा ही लग रहा है वैसे अच्छा लग रहा है। हाँ ये फिट भी अरे तो अब मैं जा रही हूँ इनको टाटा बाय करते हैं बाय। अभी शाम के बज गए हैं 6 तो अभी हम लोग आए थे बुआ लोग के यहाँ। मैं तो 2:30 बजे के करीब पहुँची तो फिर वहाँ एकदम भीड़ इतनी हुई थी कि मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और तो हमने जो साड़ी ली है वो हमने वट सावित्री के लिए ली है तो फिर हम आपको उसी दिन दिखाएंगे उस दिन मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे बुआ है और तो यहाँ पे भाभी ने मुझे आड़ू दिया खाने के लिए तो फिर अब मैं पार्टी में आना जाए पार्टी में आना सब और हमारी जून में मनाएंगे बुआ की एनिवर्सरी पार्टी। भाई हमने तो खाई पार्टी स्प्राइट पी दिया क्या कहते हैं राइस खा दी तो अब बुआ लोग की पार्टी रही अभी पेंडिंग क्योंकि बुआ भी यहाँ के लोगों को देगी पार्टी उसके बाद देगी हमको। तो फिर अब हम चलते हैं घर को नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम बेकरी में आ गए पेस्ट्री लेने के लिए और एक काजल के वहाँ रेस्टोरेंट भी खुल गया है। मैंने तो पहले देखा था तुमने आज देख रहे हो हैं मतलब कुछ खाने पीने वाला भी कट गया है। हाँ तो अभी हम आए थे बेकरी में और यहाँ पेस्ट्री ख़त्म हो गई है सिर्फ 2 डब्बे हैं और एक डब्बा तो कोई आया था उन्हें चले गया तो अभी मंगा रखे उन्होंने हमें लेने 4 डब्बे। तो अभी देखते हैं हम क्या लेते हैं क्योंकि माँ जी तो बिना अंडे वाली पेस्ट्री नहीं खाती है अंडे वाला कुछ भी चीज़ नहीं खाती है तो हमने सोचा है कि हम एक पाउंड केक ले लेते हैं बीजे और हमारे लिए और लेते हैं पेस्ट्री। तो अभी देखते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर भैया पेस्ट्री भी लेके आ गए हैं तो अभी हमें यहाँ पे काजल केक दिखा रही है। ये कौन से फ्लेवर है दिखाओ देखो स्ट्रॉबेरी भी है और ये तो चॉकलेट ट्रूफल है वो तो ट्रफल दे देना फिर 100 रुपए में 100 रुपए में ही दे देना। हाँ
क्या क्या चीज की दिखा रही है? वनीला लगा। कितने का? 100 रुपए का। 130 का। 100 रुपए। ये देखो, ये देखो, ये तो यहाँ पे संतोष बन के बोल रहा है। तो ये संतोष क्यों बैठूंगी मैं तुझे ऑटो में? तो बोला था बना, मैं बना रही हूँ, तू बनाने नहीं दे रहा है। इसकी भी बेकरी है, इसके यहाँ से भी केक लेने चले जाना सब लोग। तो हमने ले लिया केक यहाँ पे। वैसे तो हमको बुआ ने लेने को कहा था एनिवर्सरी का, और हमको याद आएगी हम आज मम्मी की भी एनिवर्सरी है, तो हमने केक ले लिया। तो हम रात में केक कट करेंगे। मम्मी तो काटती नहीं है, वैसे हम ही काटेंगे। कौन सा देखा तूने हमारा घर? तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे पेस्ट्री और केक, और अब हम जाते हैं घर को और काजल को हम बाय बाय करते हैं। काजल बाय। बहुत बुरा लगा मेरे को तो ऐसा होना। इसको बहुत बुरा लगा कि हम पेस्ट्री लेके जा रहे हैं, ऐसा ही बोल रही है। तो अभी बज गए हैं रात के 8, और मेरी आईज देखो थकान के उससे ऐसी हो गई हैं, इतनी नींद आ रही है ना, और थक गए हम बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पे ताऊ जी खा रहे खाना, डिनर। ताऊ जी हाय। ताऊ जी हाय। अरे हाथ से वहाँ ताऊ जी का देख रहे हैं। हाय तो बोल दो वीर। तुम भी हाय। काय की सब्जी है? ताऊ ने बनाया है। काय की सब्जी है? हाँ तो जिसने बनाया है। सब्जी तो हमारे ताऊ बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं। आपको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा ना, मेरे भी आ गया। और ये हमारा राहुल खा रहा है यहाँ पे दाल और सब्जी मिक्स करके। राहुल हाय। राहुल देख खाने वाला डोंगा। और ये भाभी भाभी का, और ये माँ जी का इतनी छोटी सब्जी और फूल कटोरी दाल। और सबका केक इसने काट दिया है, सबके बदले का केक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच। एक बुआ ने केक दिम लक दिस बुआ, दिस केक गोस टू बुआ, क्रेडिट ही रहे। ची 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 ची, इंग्लिश देखो इनके क्रेडिट। ओए सुन, करण करण एंट्री बन गई, बुआ अकाउंट डेबिट टू केक अकाउंट। अकाउंट वाले बच्चे अकाउंट एंट्री मारे केक के साथ। जा करण को लेके आ तो मार। अभी हम लोग जा रहे हैं नितिन उनके यहाँ, क्योंकि इनके घर में हो रहा है पेंट। तो चाची ने बोला था कि पेंट का सिलेक्शन करना है, डिस्कशन करने जा रहे कि कौन सा पेंट कौन से कमरे में करेंगे। ऐसा भूत लग रहा है एक नंबर के। चैलेंज एक्सेप्ट करो। इधर आओ। मत कर नितिन, मत कर। ये देखो ये है, इसको पहले जलने देना। नितिन जल्दी आ तो यार। कैसे? हम पहुंच गए चाची उनके यहाँ, और यहाँ पे कोमल अपना होमवर्क कर रही है। और हमारी चाची जी यहाँ पे सो रखी हैं, रेस्ट कर रही हैं। The next morning बना रहे यहाँ पे फर्स्ट टाइम चाय, घर की बहू। अंकल लोगों को बता दो ये बरंडे में। और अभी यहाँ पे हम नितिन के बचपन की फोटो देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है बुआ। ओए नितिन, तू है? ना ना। दी दी दी। देखो पापा तो यहाँ पे मुझे इनकी फोटो भी मिल रखी है। तो ये है और ये है ये है। गाइस देखो, ये मेरा पहला बर्थडे है, और अब मेरा 18वां, यानी कि मैं 18 साल। ये तो ये फर्स्ट साल का था, तो पहले फर्स्ट साल का ये फोटो खींची है, इसका सेम लड़की था। और ये है जो मोटी, और इसमें भी है नितिन, और इसको लक्की की अम्मा ने पकड़ रखा है। और इसमें भी मैं हूँ, जब हम देहरादून घूमे। वो चाची है आप? हाँ। वो चाची पहले से इतनी पतली थी, देखो घूमी घूमी करने गए थे हम। और ये लोग देहरादून गए थे, नितिन बचपन में बहुत घूम रखा है। दिस इज। और चाची की वाली फोटो दिखाओ अच्छी। ये कौन है? ये बू है। चाची की वाली फोटो दिखाओ। और ये देखिए जब पप्पा नीचे वाली नाने गए। और चाची पहले से। और ये देखिए दो सहेलियां, दो सहेलियां। और ये दो सहेलियां हैं, और ये दोनों पहले से इतनी पतली थी, और अब देखो
और ये देखिए एक और, लेकिन मेरे को चाची के एक फोटो बहुत स्मार्ट है दिखा मेरे। ये है हमारे चाचू जिसमें बहुत हैंडसम लग रहा है। उस चाचू के रियल बाल है क्या ये? तो कितने सिल्की है ना। तो ये आ रही है ओला दिखा, नितिन और दिखा, और ये ताऊजी को दिखे तीसमार खान। और ये है हमारे बड़े अच्छा बड़े अच्छा। पहले पापा को फोटो शूट का गजू ही शौक था यार। और उसके पहले मेरे को चाची की वाली फोटो दिखा जिसमें चाची स्मार्ट लग रही थी। ये देखो ये बग्गू दीदी और ये वो और ये कौन है फिर? हुए ये देखिए सिस्टर इन लॉ सारी की सारी नमन की बुआ। और ये वो है ना वो बग्गू दी कल्लू दी। और ये नितिन को किसने पकड़ा है? वो टोले की वो। तो यहाँ पे ये है मौसी और ये है पीरू की मम्मी। ये है पीरू और ये है पीरू और ये है पीरू के पापा। और यहाँ पे है पापा और कौन है? This is me when I दुर्गा दीदी की मम्मी। और यह नितिन। ओ पहले मेरे को चाची वाली फोटो दिखा। मेरे को चम्मच चाहिए। ताई जी रोटी खाते हैं फोटो मार ली ताई जी। ये कहाँ की वो कहाँ का घर है चाची? ये नीचे का घर जब पहले हम नीचे रहते थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है केक खाने की। ये पप्पिया आ गई और ये है दिखा। और ये चाची चाची पहले से कितने पतले थे यार आप। वो ही तो चाची और उनकी दो नंद हैं। ये देखो पप्पा का एक और पोज। ये हमारे चाचा हैं इसमें तो गजबी पतली। हाँ मुझे पापा का लुक देख के मजा आ गया वैसे। हाँ यार सही कह रहे हो लिप्स और वो सेम मैच कर रहे हैं। ये देखो पापा का लुक देख के मजा आ रहा है। अरे कितने ये है अभी चाचा और कोमल और यह नितिन का पोज यो। और यहाँ पे नितिन आया था सेकंड और मेरे से झूठ बोला कि मैं फर्स्ट आया था, मेरे को गलती से सेकंड में रख दिया था। और ये शेरू खान और ये हमारी कोमल कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ चाची और चचा और इसमें चाची बहुत स्मार्ट लग रही थी बहुत ज़्यादा स्मार्ट। और चचा भी चचा तो हमारे हीरो हैं ही यही। चाची बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है और यहाँ पे भी मुझे चाची बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगी। और ये चाची लोग की तब की फोटो है जब कहाँ गए थे नितिन तुम? पुणे। ये जब पुणे में रहते थे। और ये है कोमल। तो तुम दिल्ली कैसे पहुँचे फिर? जिस दिन हम घर आते जिस दिन हमेशा के लिए तो उस टाइम पे घूमते हैं। और ये है चाची लोग। कितने साल रहे तुम नितिन वहाँ? कितने साल रहे तुम वहाँ? मतलब कितने टाइम रहे वहाँ? वहाँ मम्मी लोग रहे मैंने रहे मेरे को वहाँ पसंद ना रहना। ये नितिन कहाँ का मंदिर है? ये कितनी बढ़िया फोटो आई ने। हाँ उसमें चाची भी बहुत स्मार्ट आ रही है। रेड कलर की साड़ी पहनी है तेरा सर है श्रीलंका वाले भी बोल देगा यहाँ पे। और ये लोग जब इंडिया कट गए थे। और ये ऐसा लग रहा है कोमल की सिस्टर है लेकिन कोमल की सिस्टर नहीं है कोई बगल में इनके नेबर थे खुशी तो जो आजकल उसके एक ब्लॉग वाला चैनल भी है ब्लॉग भी बनाती है हैं। तो ये हम सुबह लेने गए थे कलर और यहाँ पे मंदिर में के रूम में कलर हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है मंदिर के रूम का कलर कुछ इस प्रकार है। तो अब जब हमारे चाची लोग के पूरे घर में कलर हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम चाची लोग का होम टूर कराएंगे आपसे और मैं साथ में रहेंगे तो फिर मस्त का होम टूर कराएंगे तो तैयार रहिएगा। और अभी यहाँ पर नितिन के कमरे में हो रहा है कलर, नितिन का मन पसंद कलर हो रहा है।